चोरी की 10 मोटरसाइकिल, 3 फर्जी नंबर प्लेट, 4 फर्जी आधार कार्ड, एक तमंचा, 3 नाजायज चाकू बरामद, 4 नई उम्र के लड़के गिरफ्तार। थानागंज पुलिस अधीक्षक रामपुर द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर तथा क्षेत्र अधिकारी नगर रामपुर के निर्देशन में दिनांक 2 जुलाई 2020 को थानागंज रामपुर पुलिस को सूचना के आधार पर नानकार बाईपास तिराहा निकट हामिद लान के पास से 2 मोटरसाइकिल आते दिखाई दी, जिनको पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया। पुलिस को सामने देख दोनों मोटर चालक मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। शाहिद पुत्र नन्ने उर्फ मोहसिन उम्र 21, मुन्ना उर्फ अफजाल पुत्र आजम उम्र 19, आसू पुत्र अतर उम्र 21, तीनों अभियुक्त बगीचा एंडमा थानागंज रामपुर के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम सभी मिलकर मोटरसाइकिलों की चोरी करते हैं। एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आगे आगे जाते हैं तथा दूसरी मोटरसाइकिल से 2 लोग पीछे से उनकी देखरेख करते हैं तथा मौका पड़ने उनका सहयोग करते हैं। जैसे ही हमको कोई मोटरसाइकिल किसी सुनसान स्थान पर खड़ी दिखाई देती है तो उसका लॉक तोड़कर अपनी मास्टर चाबी से उसको स्टार्ट करके भाग जाते हैं। आज भी हम चारों मंडी समिति की तरफ गाड़ी चोरी करने ही जा रहे थे कि आपने हमको पकड़ लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी फोटो लगे फर्जी नाम पते वाले आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे। साथ ही यह भी बताया कि हम लोग मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेट बदल कर बेच देते थे। गैंग पकड़ा गया है। थाना गैंग पुलिस को बीती रात एक सफलता मिली है जिसमें 4 मोटरसाइकिल चोर पकड़े गए और इनसे 10 मोटरसाइकिलें बरामद हुई, कुछ फर्जी नंबर प्लेट भी हैं, फर्जी आधार कार्ड भी हैं और इनके कब्जे से नाजायज तमंचे चाकू बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थानागंज इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। आगे विवेचना की कार्यवाही की जा रही है, ये मोटरसाइकिलें कहाँ से चुराई गई थी, अगर उनके अभियोग वहाँ पंजीकृत हैं तो उनसे इन्हें कनेक्ट किया जाएगा, जब नहीं पंजीकृत हैं तो संबंधित थाने को बताया जाएगा। और इसके बावजूद भी जो मोटरसाइकिलें नहीं जुड़ेंगी तो आईपीसी ने जो भवन थे का उसमें फिर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा और आगे पूरी कार्रवाई। जी ज़्यादातर बाइकें सब रामपुर की हैं बाहर की हैं? देखिए मैंने बताया कि बाइकें अभी उनसे कहाँ संबंधित मुकदमे हैं क्या है ये सब विवेचना का विषय है। विवेचना होने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि ये बाइकों के मूल स्वामी कहाँ हैं, कौन हैं, उन्होंने कोई FIR दर्ज कराई है कि नहीं कराई है, ये सारी चीज़ें विवेचना से।